अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल। आज के ग्रामर के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। असर्टिव यानी हमारा कोई भी सिंपल सा जुमला रहता है जिसको हमको सवाली जुमले में तब्दील करना पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव, यानी जब हमको सिंपल सा कोई भी सेंटेंस सवाली जुमला बनाना पड़ता है, तब अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी वो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं है, तो इट चेंजेस टू नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस चेंजेस टू अफर्मेटिव। ये इसका बेसिक रूल है। जब हम एक सिंपल सेंटेंस को सवाली जुमला बनाएंगे, तब सिंपल सेंटेंस अगर पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है जिसमें नॉट नहीं है, तब उसको चेंज करते वक्त उसको नेगेटिव बनाया जाता है, और अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनाया जाता है। राइट, जस्ट लाइक योर क्वेश्चन टैग पार्ट। सो नेक्स्ट, रिमेंबर फ्रेमिंग ऑफ WH क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी जब हम WH सवाल बनाते हैं जिसकी शुरुआत WH से होती है, उसका तरीका जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, तब्दीली करने का है वो, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का तरीका जो है वो पूरी तरह से अलग है। WH क्वेश्चन का भी वीडियो आपने देखा होगा, तो यह आज देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में फिर ऐसे क्या रूल्स रहते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको सिंपल एक बताती हूँ। देखो कि ये है एक सिंपल सा जुमला, ही वॉज इनोसेंट, वो बेकसूर था। तो यहाँ पर उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हुआ, देखो, वॉज ही नॉट इनोसेंट, क्या वो बेकसूर नहीं था। राइट, तो यहाँ पर ध्यान दो, समझ में आ रहा है। तो ये है, सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे दी हूँ, इसका जो रूल है, पैटर्न है, हम आगे फॉलो करते। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, असर्टिव वन, ही वॉज इनोसेंट, वो बेगुनाह था, वो बेकसूर था। वॉज ही नॉट इनोसेंट, क्या वो बेगुनाह नहीं था, क्या वो बेकसूर नहीं था। राइट, तो उर्दू में आपको इसके माने समझ में ज़रूर आए, इंग्लिश में भी समझ में आएंगे एक बार आपको उसके रूल्स समझ में आए उसके साथ। सो लेट अस सी देन। तो इसके जो रूल्स है वो क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहली स्टेप्स, हमको दिए गए सेंटेंस में से यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब। राइट, तब अब सेंटेंस देखो, नीचे मैंने आपको दिया है, जैसे नेहा इज़ कमिंग होम, नेहा घर आ रही है। तो इस दिए गए सेंटेंस में क्या आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है? यस, मुझे मिल गया, जैसे कि मैंने नीचे दिया है, इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब हियर। यहाँ पर ये जो इज़ दिख रहा है, ये है इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब। पहली स्टेप पूरी हो गई। दूसरी देखिए, फिर हमें क्या करना है, प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगनिंग। यानी इस ऑक्सिलरी वर्ब को हमको जब उसका जवाब लिखना है, तब सबसे शुरू में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इज़ मिला, तो यहाँ पर इस से शुरू करूँगी, फिर आगे क्या लिखना है देखिए, एंड कॉपी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन गिवन ऑर्डर। तो जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सेम ऑर्डर में आगे आएगा। कैसे, देखिए, नेहा इज़ कमिंग होम, तो यहाँ पर उसका बनेगा इज़, पहले आया बचा हुआ सेंटेंस, नेहा नॉट कमिंग होम। अभी आपको यहाँ पर नॉट दिख रहा, इसका रूल मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है इज़न्ट नेहा कमिंग होम। ये है इसके इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। तो ये जो रूल है नॉट का, वो क्या है बताती हूँ। देखो, रिमेंबर टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव, यानी अगर आपको दिया गया जुमला अफर्मेटिव है, तो उसको चेंज करके हमको उसको बनाना है नेगेटिव, एज वी चेंज इन क्वेश्चन टैग, जैसे हम क्वेश्चन टैग पार्ट में करते हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए, देन इफ़ यू यूज़ शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव, अगर आपको दिया गया सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव में यूज़ करना है, तब ये जो नॉट है जो शॉर्ट फॉर्म में आता है, वो इमीडिएटली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। जैसे कि देखो, इजंट नेहा कमिंग होम, इजंट नेहा कमिंग होम, हमको जुमला दिया गया था नेहा इज़ कमिंग होम, उसका इंटरोगेटिव क्या हो गया, इजंट नेहा कमिंग होम। उसी तरीके से अगर आपको, इफ़ इट इज़ इन फुल फॉर्म देन नॉट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, तब ये नॉट कहाँ पर जाता है, देखो, इज़ नेहा नॉट कमिंग होम। ध्यान से देखो,
आपको ये शक रहेगा कि अभी आप मैडम ने कहा कि जैसे आपको दिया गया जुमला था नेहा इज़ कमिंग होम, ये मैंने आपको दिया गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि इज़ नेहा कमिंग होम, ये बचे हुए इस अल्फाज हैं, राइट। लेकिन मैंने आपको इसके पहले बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बनता है, तो ये हुआ पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल क्या बताया है कि पॉजिटिव को बनाना है नेगेटिव, यानी हमको उसमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये नॉट लिखने की भी एक रूल है, उसकी जगह फिक्स है। अगर मैं फुल फॉर्म लेती हूँ तो वो इस सब्जेक्ट के यानी नेहा के बाद आएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे वो नहीं लेना है तो मैं क्या करूँगी, तब शॉर्ट फॉर्म लेना है तो मैं इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उसको जोड़ूंगी। इज इट क्लियर? इजंट नेहा कमिंग होम? आर यू गेटिंग इट? इसके लिए और प्रैक्टिस देखते देखो, सिंपल। मैं वापस आपको एक ही एग्जाम्पल वापस दे रही हूँ, देखो। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स या यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, आपने आपकी वालदेन की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से जवाब दिया है, फुल फॉर्म नॉट एंड शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फुल फॉर्म के साथ इंटरोगेटिव सवाल बनता है, मस्ट यू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या आपने आपकी वालदेन की बात नहीं सुननी चाहिए, सुननी ही चाहिए बेशक। नेक्स्ट, मस्टंट यू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या आपने आपके पेरेंट्स की बात सुननी नहीं चाहिए। सो द मीनिंग रिमेन्स सेम, इसका मतलब जो है वो सही सेम ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होते, लेकिन रूल बदलता है अगर शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो और अगर फुल फॉर्म लेंगे तो। दैट्स इट। आगे देखिए प्रैक्टिस के लिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इज से शुरुआत होगी इस, और मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नॉट लिया है, इसके लिए आया इजंट। देखिए बचा हुआ जुमला जैसे के जैसे नीचे, इजंट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर क्वेश्चन मार्क, इजंट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, लेकिन अगर दिया गया जुमला ही नेगेटिव है तो उसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, यस अफर्मेटिव बनेगा, राइट। देखिए प्रैक्टिस के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, द रिवर कैनॉट स्टॉप, नदी रुक नहीं सकती। सवाल बनेगा कैन, जो ऑक्सिलरी है वो शुरू में आएगा, कैन द रिवर स्टॉप, ये जो नॉट है वो निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पर मौजूद है तो हमको निकाल देना है, अगर नहीं है तो उसको वहाँ पर ऐड करना है। इज इट क्लियर? द रिवर कैनॉट स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे यहाँ से नॉट को क्या करना है, निकाल देना है, और वो निकल जाने के बाद बचेगा कैन द रिवर स्टॉप, राइट। उसी तरीके से आगे देखिए, कुछ और भी रूल्स होते हैं, जैसे कभी कभी आपका सिंपल सेंटेंस एवरीवन या नोबडी से स्टार्ट होता है, सो इफ द सेंटेंस हैज़ एवरीवन या नोबडी देन द इंटरोगेटिव बिगिंस विथ हु। अगर आपका सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस एवरीवन या नोबडी उसमें है तो आपके सवाली जुमले में शुरुआत होगी WHO से, हु से, जैसे कि देखो दिया है एवरीवन लव्स हिज मदर, हर कोई, राइट। एवरीवन यानी हर कोई, हर शख्स, और नोबडी यानी कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, एवरीबडी लव्स हिज मदर, एवरीवन हर कोई अपने अम्मी को चाहता है, तो इसका सवाल क्या होगा, हु डजंट लव हिज मदर, कौन भला अपने अम्मी को नहीं चाहता, इसका जवाब है हर कोई चाहता है, राइट। सवाल का जवाब देखो आपको ऐसा मिलना चाहिए, कौन अपने अम्मी को नहीं चाहता, यस हर कोई अपने अम्मी को चाहता है, इज इट राइट। और एक प्रैक्टिस देखो, एवरीवन हेट्स चीटर्स, हर कोई धोखेबाजों से नफरत करता है, इसका मतलब कौन भला धोखेबाजों से नफरत नहीं करता, तो हर कोई करता है, यही हुआ आपका सवाली जुमला, हु डजंट हेट चीटर्स। समझ में आया, यहाँ पे वो हु से शुरुआत करनी है और हमारा ऑक्सिलरी उसके बाद आएगा, हु डज नॉट, यहाँ पे देखो नेगेटिव नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है ना, नॉट है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे हम नो लेंगे, हु डजंट हेट चीटर्स, अंडरस्टूड। उसी तरीके से देखो, नो बडी इज इमॉर्टल, अभी जुमला जो दिया है वो नो यानी नेगेटिव है, नो बडी इज इमॉर्टल यानी कोई भी, ऐसा कोई नहीं है जो इमॉर्टल है, इमॉर्टल यानी क्या, लाफानी यानी जिसको क्या है, मौत नहीं है,
राइट। तो यहाँ पर ध्यान दो कि लाफानी कोई नहीं है, कोई नहीं है लाफानी, तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन भला लाफानी है, हु इज़ इमॉर्टल, नोबडी, कोई नहीं, सारे मॉर्टल हैं। अंडरस्टुड। उसी तरीके से देखो, कभी कभी आपके दिए गए असर्टिव सेंटेंस में एनीवन या नो वन का भी इस्तेमाल होता है। जब एनीवन या एनीवन होता है तब एनीवन के जगह पे आता है, सॉरी नो वन आता है। जैसे कि देखो, कैन एनीवन हर्ट अ चाइल्ड लाइक दिस, क्या कोई बच्चे को इस तरीके से चोट पहुंचा सकता है। इसका जवाब क्या होता है कि नहीं, ऐसा पहले बच्चों को इस तरीके से कोई भी चोट नहीं पहुँचाता। वेरी गुड, वही हमारा आंसर है। नो वन हर्ट्स अ चाइल्ड या नो वन कैन हर्ट अ चाइल्ड लाइक दिस। यहाँ पर मैंने आपको पहले सवाली जुमला दिया है, फिर उसका असर्टिव बनाया, यानी आपको इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। सिर्फ यही करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। देन नेक्स्ट देखो, वापस मैं बता रही हूँ, कैन एनीवन हर्ट अ चाइल्ड लाइक दिस, क्या कोई बच्चे को इस कदर चोट पहुँचा सकता है। बच्चे को कोई भी इस कदर चोट नहीं पहुँचा सकता, राइट। उसी तरीके से कुछ और किस्म के दो से तीन मैंने एग्जांपल आपको नए बताए। देखो, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग द स्पॉइल्ड ब्रैट्स, यानी उन बिगड़े हुए औलादों को यानी बच्चों को पढ़ाकर कुछ फ़ायदा नहीं। यानी सवाल क्या होगा, व्हाई टीच सच स्पॉइल्ड ब्रैट्स, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को भला क्यों पढ़ाना। हम बोलते हैं ना, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को भला क्यों पढ़ाना, व्हाई टीच सच स्पॉइल्ड ब्रैट्स। उसी तरीके से इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हर, उससे बात करना बेकार है। उससे भला बात क्यों करना, या फिर उससे भला क्यों बात करें, राइट। तो व्हाट, व्हाई टॉक टू हर। नेक्स्ट, यू कैन नेवर अर्न रिस्पेक्ट अगेन, आपको दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती। आपको दोबारा इज्जत कैसे मिलेगी भला, हाउ कैन यू अर्न रिस्पेक्ट अगेन। समझ में आ रहा है। तो ये जो जुमले हैं यहाँ पर, कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, या अगर आपको ट्रांसलेशन के ज़रिए भी समझता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो आप इंग्लिश में भी उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, आई रिपीट, इट इज़ नो यूज़ टीचिंग द स्पॉइल्ड ब्रैट्स, बिगड़े हुए बच्चों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों भला उनको पढ़ाना फिर, व्हाई टीच सच स्पॉइल्ड ब्रैट्स। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हर, उससे बात करना बेकार है। यहाँ पे ध्यान दो, आप कहेंगे टीचर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, एग्जैक्टली, लेकिन इस यूजलेस का मतलब ही क्या है, कि थोड़ा सा क्या बता रहा है, क्वालिटी कम, कोई खामी बता रहा है, यानी किसी चीज़ की खामी बताना, इसका ही मतलब उसमें क्या है, थोड़ा बहुत नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है, कि इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हर, उससे बात करके बात करना बेकार है, यानी उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, राइट। इसीलिए दिया है व्हाई टॉक टू हर, उससे बात क्यों, या फिर उससे बात भला क्यों करें। यू कैन नेवर अर्न रिस्पेक्ट अगेन, तुमको दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती। तुम्हें दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती, इसका सवाल बनेगा, हाउ कैन यू अर्न रिस्पेक्ट अगेन, तुम्हें दोबारा इज्जत कैसे मिलेगी। अंडरस्टुड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।